केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की है। कांग्रेस में घमासान के बीच कैप्टन शाह की यह मुलाकात हुई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब की सियासत में अब बड़ा यहां उलटफेर देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एएनबी न्यूज ये तस्वीरें भी आप तक दिखा रहा है। दोनों नेताओं के बीच आज मुलाकात हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह के बीच हुई ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है और ये ब्रेकिंग है, बहुत बड़ी खबर ये आज की सियासत से जुड़ी हुई है कि अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि मंगलवार को ही कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे थे दिल्ली और उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वे अमित शाह से मिलने जाएंगे। हालांकि मंगलवार को वे नहीं गए, लेकिन आज आने के बुधवार को वे अमित शाह से मिलने गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पर गए। दोनों नेताओं के बीच में आज मुलाकात हुई है और पंजाब के ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान जी इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलवीर जी, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे हम। कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह की आज मुलाकात हुई है। देखिए, बिल्कुल आज मुलाकात उनकी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री रहते हुए अमित शाह से अक्सर मिलते रहते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जब भी दिल्ली जाना होता था, लेकिन आज की जो मुलाकात है ये पूरे बदली हुई परिस्थितियों में है, बदले हुए हालातों में है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस दौरे को निजी दौरा कहा था और कहा था कि उसके लिए सियासी मायने ना निकाले जाए, लेकिन अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में चर्चा का विषय जो है वो जरूर है और ऐसी पहले संभावना भी थी और इस तरह की चर्चाएं भी उठी थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुलाकात कर सकते हैं अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से। तो अमित शाह से उनकी मुलाकात हो चुकी है, अब क्या इसके बाद आगे क्या समीकरण बनेंगे, किस तरह से राजनीति जो है वो पंजाब की और खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह की आगे बढ़ेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये जो मुलाकात इस वक्त हुई है, इस वक्त हुई मुलाकात के मायने काफी ज्यादा निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, इस मुलाकात के काफ़ी मायने निकाले जा रहे हैं कुलवीर जी, क्योंकि वो पहले भी कह चुके थे कि मैं अन्य विकल्प तलाश सकता हूं और अभी तो साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि कांग्रेस आला कमान से कैप्टन अमरिंदर की ज़बरदस्त नाराज़गी है। क्या ये नाराज़गी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मौका लेकर आई है? देखिए, बिल्कुल उनकी नाराजगी जो है वो जायज भी है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक एक दिग्गज नेता है, ना केवल ये कहें कि पंजाब कांग्रेस से बल्कि पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों का नाम जो है वो बड़ा है पंजाब की राजनीति में और दोनों को यूनिवर्सिटी कहा जाता है राजनीति की, तो उनको नजरअंदाज किया कांग्रेस ने। निश्चित तौर पर उनकी नाराजगी जो है वो जो जाहिर भी हुई है उनकी बातों से, उन्होंने जो बयान दिए मीडिया में, और अब जिस तरह से उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसी मौके की तलाश में तो है। अहम सवाल यहाँ पर कुलवीर जी ये बनता है कि अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता भी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं, हालांकि कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अगर ये संभव है तो क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी उन्हें केंद्र की राजनीति के लिए ज्यादा परिपक्व समझेंगी या फिर पंजाब में ही उनकी राजनीति जारी रहेगी? देखिए, लगता नहीं है कि केंद्र में इंटरेस्टेड होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि उन्होंने पंजाब की पार्टी की है, उनका अभी तक यही कहना है कि पंजाब की सेवा वो आगे भी जारी रखेंगे। तो ऐसे में और यदि भारतीय जनता पार्टी की नज़र में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब की राजनीति जो है फिलहाल ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि लक्ष्य जो है वो 2022 है। तो ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दिग्गज नेता वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरीखा मिल जाता है, तो निश्चित तौर पर एक ये कहें कि बेजान पड़ी पंजाब की भारतीय जनता पार्टी में एक नई जान फूट सकती है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सरकार बनाने की उम्मीद उनके रूप में मिल सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया कुलवीर जी, इस मसले पर हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। धन्यवाद तमाम जानकारी अभी जो आपने हम तक पहुंचाई उसके लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की
हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब एएनबी न्यूज जीओटी मोबी ऐप एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी इंस्टाग्राम ट्विटर गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज आपकी बुलंद आवाज आपकी बात।